अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस बेबस नजर आई। दरअसल पुलिस ने शराब पीकर धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप में कमलेश ठाकुर नाम के एक बजरंग दल के नेता को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस थाने में पहुंच गए और जमकर यहां पर उन्होंने उत्पात मचाया, गुंडागर्दी की, हंगामा किया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां पर रोकना चाहा तो उन्होंने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की। हंगामा करते हुए प्रदर्शनकारी आरोपी नेता कमलेश ठाकुर को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। मौके पर पहुंचे एसपी ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने और मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया है। और इसी पर ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, आरोपी नेता को पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकाल के ले जाते हैं, क्या अब तक इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है और क्या दोषी जो पुलिसकर्मी है जिनकी मौजूदगी में ये सब काम हुआ उन पर भी कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक किसी पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो दक्षिण भोपाल दक्षिण के एसपी हैं सिद्धार्थ बहुगुणा, उनसे हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि धारा 353, 186 और 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कमलेश ठाकुर की गिरफ्तारी हो सकती है पर अभी तक हुई नहीं है, तो ये पहली चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से बेलगाम जो यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इसके पहले भी आपको याद होगा कि एक स्कूल को बंद कराए पहुंच गए थे और वहां भी हाथापाई उन्होंने की थी भोपाल में ही, तो इस तरह से पुलिस स्टेशन से एक आरोपी को ले जाना जिस पर शराब के नशे में धुत होकर पुलिस वालों से मारपीट करने का आरोप है, आप सोचिए अगर कोई और शख्स होता तो क्या पुलिस इस तरह खड़े होकर तमाशबीन बनी देखती रहती? जब थाने में आकर के 40-50 की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक आरोपी को कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पुलिस वाला बता रहा है कि उसके कॉलर को पकड़ा गया, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, और इसके बावजूद रात में जब पहले सीएसपी आते हैं तो उन्होंने यही कहा कि अभी हम देख रहे हैं शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। पुलिस का एक आला अधिकारी जब उसके थाने के पुलिसकर्मी इस तरह की शिकायत करें और फिर वो कहें कि गलतफहमी हो गई है, और बाद में जब बहुत दबाव बना, मीडिया में खबरें आने लगी, मीडिया सवाल पूछने लगा पुलिस वालों से, तब 353, 186 और 294 के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह देख रही है, क्योंकि अभी तक जो आरोपी कमलेश ठाकुर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, आप बता रहे हैं अभी तक जो आरोपी है कमलेश ठाकुर, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि हमने देखा था कि मंदसौर में देखा जाए मध्य प्रदेश की पुलिस जो है काफी सजग थी, किस तरह से किसानों पर वहां पर फायरिंग की गई थी, 5 किसान भी मारे गए थे, लेकिन एक आरोपी जो धक्का मुक्की करता है, शराब के नशे में धुत है, उसको पुलिस की गिरफ्त से बाहर ले जाया जाता है, वहां के जो बजरंग दल के कार्यकर्ता ले जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी यहां नहीं हो पाई है। तो यहां कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी साफ तौर पर सामने आ रही है। बिल्कुल जया, क्योंकि अगर आप किसी आरोपी को पुलिस थाने से बगैर कागज पत्र, बगैर किसी और चीज के आप ले जाए तो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। ये वो इलाका है जो हबीबगंज थाना है, जो काफी सारे जो मध्य प्रदेश में भोपाल में वीवीआईपी एरिया है उनके लिए बना हुआ है, और यहाँ से किसी आरोपी को अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस वालों की भी संख्या अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा कोई टिकट है और वहां पर 2-4 पुलिस वाले रहते हैं। ये बड़ा थाना है और इस पुलिस स्टेशन में कई सारे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अगर आप इस तरह से आरोपी को ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, पुलिस महकमे पर सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों पुलिस के आला अधिकारी सामने से आरोपी को ले गए हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है जब मामला दर्ज हो गया है और वो भी गंभीर धाराओं में पुलिस के साथ गाली गलौज मारपीट करने के साथ साथ शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामले दर्ज हुए हैं, तब अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कानून के रखवाले हैं, पुलिस और शासन व्यवस्था जो है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त से एक आरोपी को कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता बजरंग दल के ले जाती है अपने साथ और उसकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। ये कहीं ना कहीं वहां की शासन व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है।